सबकी आन सबकी शान सबका एक भाईजान। साल 2011 में आई फिल्म बॉडीगार्ड का ये टाइटल सॉन्ग सलमान खान की रियल पर्सनैलिटी को भी शूट करता है। सलमान इंडस्ट्री का वो नाम है जिनके बारे में किस्से और कहानियां बहुत है, फिर वो उनकी फिल्मों से जुड़े हो या फिर निजी जिंदगी से। इंडस्ट्री में एक बड़ी क्रांति लाने का क्रेडिट उनको ही जाता है, और वो क्या है आइए जानते हैं। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई ये भी है कि ये फिल्मी सितारे पैसे लेकर नाचते हैं, सुनकर थोड़ा सा झटका लगा होगा, लेकिन ये 100% सच है। दरअसल निर्देशक साजिद खान की एक टीवी शो के दौरान उन्होंने और अनिल कपूर ने इस मामले पर खुलकर बात की और बताया कैसे सलमान खान ने इस ट्रेंड को चालू किया है। साजिद कहते हैं, अनिल क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वो कौन सा स्टार है जिसने अवार्ड फंक्शन में पैसे लेकर डांस परफॉर्मेंस करने का चलन चालू किया है। इस पर बिना देरी करते हुए अनिल कपूर सलमान खान का नाम लेते हैं। साजिद उनके जवाब पर अपनी रजामंदी देते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, सलमान ही वो एक्टर है जिन्होंने अवार्ड फंक्शन आयोजित कराने वाले से दो टूक कह दिया था कि भाई मैं एक्टर हूँ और परफॉर्मेंस करने के लिए पैसा लूंगा, फ्री में थोड़ी ना नाचूंगा। सलमान खान और अनिल कपूर इंडस्ट्री के जय वीरू की तरह माने जाते हैं। इनकी यारी के किस्से जग जाहिर है। साजिद खान से बातचीत के दौरान अनिल ने सलमान खान को लेकर एक रोचक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया, एक अवार्ड फंक्शन में मेरी मुलाकात सलमान खान और शाहरुख खान से हुई थी। सलमान ने मुझसे पूछा कि तुमने कितने पैसे लिए हैं। मैंने कहा, भाई मैंने कोई पैसे नहीं लिया। तब सलमान मुझ पर हंसने लगे और बोले, हमने इस अवार्ड फंक्शन में परफॉर्मेंस करने की फीस चार्ज की है। बता दे, फिल्म टाइगर 3 में रॉ एजेंट टाइगर बनकर सलमान खान ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। बीते साल दिवाली पर सलमान की ये फिल्म रिलीज हुई थी। तब से बतौर कलाकार सलमान किसी फिल्म में नजर नहीं आए। हालांकि मौजूदा समय में वह अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, अगले साल ईद पर रिलीज होगी। ऐसे ही न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए वाया टॉक को सब्सक्राइब करें।